यूनियन बैंक ने Q1 FY25 के अंदर 3680 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। और देखा जाए तो ये बैंक पिछले 2 सालों के अंदर अपने प्रॉफिट को दोगुना कर चुका है, नेट प्रॉफिट को। यानी कि बैंक ने बड़ी तेजी से यहाँ पर प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। और मजे की बात यह है कि इस फुल फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर 14,000 करोड़ प्लस का इस बैंक को प्रॉफिट होने वाला है। यानी कि बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको इस बैंक के अंदर दिखने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और बात यहाँ पर यह भी है कि अब आपको बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी बहुत गिरावट दिख सकती है, और उस गिरावट में यूनियन बैंक अगर आपको गिरता हुआ दिखाई दे तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो करेक्शन बाजार की करेक्शन होगी। और ये बैंक कहीं ना कहीं एक रीरेटिंग का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। जब बैंकिंग सेक्टर के अंदर तेजी आएगी उस समय ये बैंक आपको लीड करता हुआ दिख सकता है। PSU बैंकों के अंदर देखें तो बैंक का प्रॉफिट, बैंक की परफॉर्मेंस लगातार बढ़ती जा रही है। और इस बैंक के अगर नतीजों को एक बार आपने ध्यान से पढ़ लिया तो मुझे लगता है आपको इतना कन्विक्शन आ जाएगा इस बैंक को लेकर, आप समझ जाएंगे कि बैंक के फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स को, जो आपको बैंक को होल्ड करने में मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं यूनियन बैंक के नतीजों के बारे में और साथ ही साथ मैनेजमेंट की FY25 की गाइडेंस के बारे में, जो इसकी रीरेटिंग में एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्निंग इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। यूनियन बैंक सरकारी बैंक है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और वैल्यूएशन के बेसिस पर देखें यदि सस्ता है, ये बैंक एट प्रेजेंट भी अपने बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखा जाए तो PSU सेक्टर के अंदर स्मॉल टिकट साइज जो बैंक हैं वो अपने बुक वैल्यू के 3 से 5 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि बहुत बड़ा गैप इस बैंक के अंदर है। अगर इस बैंक की थोड़ी भी रीरेटिंग हो जाए तो ये आसानी से दोगुना हो सकता है, और वो रीरेटिंग जल्दी ही होती दिख सकती है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट घटने वाले हैं, और इंटरेस्ट रेट जब घटेंगे बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक जबरदस्त तेजी होगी। उसका आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, माना यह जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर तक इंटरेस्ट रेट आपको घटते हुए दिखाई देंगे। अब जरा इस बैंक की परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी देख लीजिए और बैंक के जो है ग्रोथ के बेसिस पर भी देख लीजिए, जो इसकी रीरेटिंग में मेजर रोल प्ले करने वाला है। 8,473 ब्रांच ये बैंक इस समय ऑपरेट करता है, यानी कि ब्रांच नेटवर्क जो है इस बैंक का बहुत बड़ा है। बैंक के अगर प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर देखें तो बैंक का नेट प्रॉफिट, बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम, बैंक की ROE, बैंक का ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स, सभी में ग्रोथ है क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और यहीं अगर हम बैंक की एसेट क्वालिटी पर भी बात कर लें, वो बैंक की एसेट क्वालिटी में अगर हम जाकर देखें तो ग्रोस NPA रिड्यूस होता आ रहा है, नेट NPA रिड्यूस होता आ रहा है, स्लिपेज रेशो वो भी बैंक को घटता दिख रहा है, और प्रोविजन कवरेज रेशो बढ़ाया है बैंक ने। यानी कि अगर कहीं भी बैंक को कोई दिक्कत दिखी है तो बैंक ने प्रोविजन को ऑलरेडी कवर करके, तो यहाँ पर जो है बैंक ने आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग कहा है। बैंक के डिपॉजिट में ग्रोथ है, बैंक के बिजनेस में ग्रोथ है, बैंक के एडवांसेस में ग्रोथ है, यानी कि बैंक ने अपने बिजनेस को सभी फ्रंट से ग्रो किया है। देखने वाली बात इस बैंक को लेकर यह भी है कि बैंक के अंदर अभी रिसेंटली QIP भी हुआ है, और लगभग 135 रुपए के आसपास बैंक ने QIP में शेयर जारी करे हैं, जिसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने बैंक के शेयर खरीदे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ता बैंक है, PSU सेक्टर बाजार का फ्लेवर है, और बैंकिंग सेक्टर के अंदर अब तेजी आने वाली है। पर नियर टर्म में इतने अच्छे नतीजों के बावजूद आपको तैयार रहना है, आपको इनके अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है, और उस गिरावट में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बैंक के फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स वीक नहीं है, स्ट्रांग है, बैंक के अंदर ग्रोथ है, बैंक के वैल्यूएशन चीप है, तो ये सभी चीजों पर भी आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप इसको होल्ड कर पाएंगे। अब जरा एक नजर डालते हैं बैंक के मैनेजमेंट की गाइडेंस को लेकर। बैंक के मैनेजमेंट की माने एडवांस ग्रोथ जो इस समय 11.46% की दिखा रहा है, बैंक के मैनेजमेंट ये कह रहा है कि हम 11 से 13% के आसपास यहाँ पर जो है एडवांसेस में ग्रोथ करेंगे FY25 के अंदर। यानी कि एडवांसेस में जो ग्रोथ है बैंक को ऐसे ही दिख रही है। डिपॉजिट ग्रोथ 9 से 11% के आसपास की उम्मीद है FY25 के अंदर, जो इस समय 8.5% की है। यानी कि डिपॉजिट में बैंक को ग्रोथ दिख रही है, और माना यह जा रहा है कि इंडस्ट्री के अंदर बैंकों को डिपॉजिट को लेकर चिंता दिख रही है, पर उसके बावजूद बैंक को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट ग्रोथ दिख रही है, जो इसकी क्वालिटी को यहाँ पर बता रहा है। बैंक का NIMS 2.8 से 3% रहने की उम्मीद है, जो इस समय 3.05% है। यानी कि बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी हेल्दी बना रहने की पूरी पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। ग्रॉस NPA बैंक को 4% के नीचे जाता हुआ दिखता है, या 4% के नीचे टारगेट को लेकर बैंक काम कर रहा है, जो कि इस समय 4.4% है। यानी कि ग्रॉस NPA अभी भी रिड्यूस होता दिख रहा है। स्लिपेजेस बैंक को थोड़ा बढ़ने की उम्मीद है, पर मुझे लगता है उससे कुछ
खास ऐसा प्रॉफिट पर असर नहीं पड़ेगा। तो स्लिपेजेस को लेकर थोड़ी सी चिंता है, पर मुझे लगता है बैंक अपने प्रॉफिट को यहाँ पर घटने नहीं देगा। बैंक की रिकवरी की माने तो 3,368 करोड़ रुपए की रिकवरी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर रही है और FY25 के अंदर 16,000 करोड़ की रिकवरी की उम्मीद है। यानी कि बैंक का जो पिछला मरा हुआ पैसा या पिछला एनपीए कहीं भी अगर बैंक को घोषित हुआ दिखा था, उसको अब रिकवरी आती दिख रही है, वो भी इस बैंक के लिए काफी पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है। यानी कि ये बैंक इस साल भी अपने प्रॉफिट में बहुत बड़ी ग्रोथ आपको दिखा सकता है अगर हम फुल फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर देखें। अब जैसे मैंने आपको कहा वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है, वो भी कहने के पीछे आप जरा कारण समझिए। ये बैंक अगर आरओई के हिसाब से देखें तो 15-16% की आरओई वाला बैंक है, 123 रुपए की बुक वैल्यू वाला बैंक है और लगभग अगर हम देखें तो एट प्रेजेंट 1.1 या 1.2 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू के। देखा जाए तो ये बैंक इंडस्ट्री में बेहद सस्ता है। इस समय आईओबी बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, जितने भी स्मॉल टिकट साइज बैंक है अगर आप उनको देखेंगे तो अपने बुक वैल्यू के 3-6 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। क्या इस बैंक को 1/4 वैल्यूएशन नहीं मिल सकते अपनी आरओई के? यानी कि 16% की आरओई वाला बैंक अगर 1/4 के वैल्यूएशन पर ट्रेड करे तो 4 का मल्टीपल निकल के आता है। हम तो ये कह रहे हैं कि 4 का मल्टीपल भी ना है, ये बैंक थोड़ा यहाँ से रीरेट हो जाए तो 2 का मल्टीपल भी मिल जाए तो दोगुना यहाँ पर हो सकता है। तो आप लोगों को ऐसे सस्ते बैंक को कन्विक्शन के साथ होल्ड करना चाहिए, थोड़ा इसको समय देना चाहिए। ये बैंक आपको जैसे ही बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पर तेजी आएगी, ये बैंक लीड करेंगे और बिग साइज बैंक ये है पीएसयू सेक्टर के अंदर। अब प्रॉफिट के मायने में भी एक बिग साइज बैंकों में काउंट होगा तो इसकी री रेटिंग क्यों नहीं हो सकती। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग बैट दिखाई दे रही है फुल फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर, वैल्यूएशन के बेसिस पर, ग्रोथ के बेसिस पर, प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पर, एसेट क्वालिटी के बेसिस पर, और बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा यही चीज आपको देखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो यूनियन बैंक को लेकर आपको काफी हेल्प करेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।